सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकर श्र बलिदा भोल सांचे दरबार की जय। श्री धनेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्योदय समप्रभ निर्विघ्न समेधमुखे हरधा कुशपाशा भीतिकरा भजे भुवनेशे। ओम ऋषभाच दिव्याहत तत्र महासुरेन्द्र सिंह सुरावण्यपुरोगमस्ताम् कात्यायनेन्दुष्टभुविश्चलाभान् विकाशी वक्त्रार्जुनिकाशिदाशः देवी प्रपन्नार्ति हवे प्रसीदः प्रसीदः मातः जगताखिलस्य प्रसीदः विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपांसरूपस्थितया तथेत आप्यायते कृष्णमलङ्गभिर्य वङ्गैष्णवीशक्तिरनन्तभिर्य विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्माहितं देवि समस्तमेत वन्दे प्रसन्ना भूमोक्ति हेतुः विद्या समस्ता स्तव देवि भेदः श्रियः समस्तः सकला जगत्सु त्वयेकया पूरितमं भजेत काते स्तुतिः साभ्यपरा परोक्ति सर्वभूताय देवी स्वर्गमुक्ते प्रदायिने त्वं सदा सुदयेकाभा भवन्तो परमोत्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणे नमोऽस्तुते कलाकाष्ठाधिरूपेण परिणाम प्रदायिने विश्वशोभरतौ शक्ते नारायणे नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्भके गौरे नारायणे नमस्ते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणे नमस्ते शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थिहरे देवि नारायणे नमस्ते अन्तयुक्ताभिमानस्य ब्रह्माणि रूपधारणे कौशम्बः चलिके देवि नारायणे नमस्ते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरि स्वरूपेण नारायणे नमस्ते मयूरकुकटभृते महाशक्तिधरे नले कौमारि रूपसंस्थाने नारायणे नमस्ते शङ्खचक्रकदाचारङ्गृहीत परमायुधे प्रसीदवैष्णवीरूपे नारायणे नमस्ते गृहीतोग्रमहाचक्र दशोधृतवसुन्दरे वराहरूपणे शिवे नारायणे नमस्ते
नृसिंहरूपेण अग्रेण हन्तुं यत्यां कृतोत्तमे त्रैलोक्यत्राण सहित नारायणे नमस्ते किरीटमे महावज्र सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राण हरे चन्द्रे नारायणे नमस्ते शिवधूते स्वरूपेण हतधर्त महाबले घोररूपे महारावे नारायणे नमस्ते दशाकरालवदने शिरोमालाभिभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणे नमस्ते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिसुधे तुले महारात्रे महाविद्ये नारायणे नमस्ते मेदे सरस्वती वरे भूतिभाद्रभितामसि नियते त्वं दधि दशे नारायणे नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते दयाक्षायिणो देवि दुर्गे देवि नमस्ते एतक्ते वरणं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायने नमस्ते ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरशोधनं त्रिशूलं पातु नो भीतर्भद्रकाले नमस्ते हीनस्तिधृत्यतेजाध्वनेनापूरिजायल साखण्ड पातु नो देवी पापेभ्यो नासुधानिव असुरास्मिव सापङ्कचर्चितस्ले करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नताभयम् भूतानशेषान्नपः स्विदुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलान्नविष्टान् त्वामाश्रितानान्नविपन्नराणाम् त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतात्कृतं यत्कदणं त्वयाद्य धर्माद्विषां देवि महासुराणां रूपेणैकैर्बहुधा त्वमूर्ते कृत्वाम्बिके तत्प्रचलोत्तिकान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु च का त्वधन्या मम त्वगर्ते महान्धकारे बिभ्रामयते तदेव विश्वम् रक्षांसि यत्लोघ्रविशाशनाघ यत्रारयो दास्युबलानि यत्र दाहानलो यत्र तथाभिमध्य तत्र स्थिता त्वं परिभासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिभासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम् विश्वेश बन्ध्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाजे त्वयि भक्तिनम्रः देवि प्रसिद्ध परिपालयणोरभेत नित्यं यथा सुरभदा धनुनैव सद्यः पापानि सर्वजगता प्रसमन्वयासु वर्पातपाकजनिताश्च महोपसर्ग प्रणतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीठ लोकानां भरता भव येभ्योवाच भरदाहं सुरगणा परं जनमनसे तथ तं ऋणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारक देवा ऊचुः सर्वाभासा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव तया कार्यम् अस्वल्दरिविनाशन देभ्योवाच देवस्वजन्तरे प्राप्य अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भजैवान्य उत्पद्येते महासन नन्दगोपगृहे जाता यशोधा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासने पुनरप्याचिरोद्रेण रूपेण पृथुभीतले अवतीर्यामनिष्यामि विप्रजित्तान् सुधानवान् वक्षयन्त्याशतानुग्रां विप्रजित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ते जागमे कुसुमोपमाः
तदमं देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः सोऽहन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्षधन्तिना भूयश्च शतवर्षिक्या मनाविष्ट्या मनोन्मति मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्य योनिजा ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्याम्य जन्मुनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शता जीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मं देह समुद्भवे वरिष्यामि सुरा शाके आवृष्टेः प्राणधारके शाकम्बरीति विख्यातं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यमहासुरम् दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि वक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मा मुनयः सर्वे सौशन्ध्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाक्षत्रैलोक्ये महाबाधं करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा सङ्घे धृष्ट्वा त्रैलोक्यस्वहितार्थाय वदिष्यामि महासुरं ब्राह्मणीति च मां लोकाः सदा शोष्यन्ति सर्वदा इत्थं यदाजादानभूता भविष्यति तदा तदा वदीयाहं करिष्यामि सञ्चया सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती ही पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरण का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपके मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षफल होते हैं विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही धन धन की वृद्धि करने वाले ही जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही दीर्घायु को प्राप्त होते ही उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मां जगजननी ने मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें आप सबका मंगल करें ध्यान ॐ विद्युत्तामसमप्रभां भृगपते
स्कंद स्थितांबीषणा कन्या भीकर बाल जेत विलसत हस्ता विरासे विदा हस्ते शक्र गदा सिकेट विशिकाश चापं दुनं तरजने विभ्राणामणलात्मिकाक्षशिधरा दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ दिव्युवाच देवीस्तवेश मां नित्यं स्तोषते यः समाहिता तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम् मधुकेटमनाशं च महिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति ये तद्भल्फलं चुम्बन शुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा शोषन्ति चैव देवक्या मम माहात्म्योत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोडा न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टविजोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः नाशस्थानगतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममेतन्माहात्म्यं पठेतव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्थयनैतत् उपसर्गानशेषास्तु महामारी समुद्भवान् तथा ते विद्मुत्पादं माहात्म्यं शमये मम यत्र तत्पक्षते सम्यक् नित्यमायतने मम सदानातं विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निगारे महोत्सवे सर्वममेतचरितम् उच्चायं चाभ्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृता प्रतिशिष्यामहं रीत्या भग्निहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते जाचवाश्री तस्यामेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्विता सर्वाबाधाभिर्मुक्त्वा धनधान्यसुदान्विता मनुष्या मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तदा चोत्पत्त्यः शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् ऋभवः संशयं जान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसमाहात्म्यं मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शे गृहपीडासु जोग्रासु माहात्म्यं शृणुयां मम उपसर्गः शमं जान्ति गृहपीडा च दारुणा दुःस्वप्नं च निवर्तिष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालगृहविभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे चणेना मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं वरम् रक्षोभूतपिशाचानां पतनादेवनाशनम् सर्वममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपेश गन्धदीपे सतोत्तमे विप्राणां भोजनिर्होमिः प्रोक्षणीयरहलनिशम् अन्ये चाभिधे भोगैः प्रधानेर्वत्सरेण प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सर्गे सुचरते श्रुते श्रुतमहर्षि पापानि तथा लोक्यं प्रयश्यति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धे सुचरितं जन्मे दुष्टदैत्या निवारणम् तस्मै श्रुते धैर्यकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तृतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृता ब्रह्मणा च कृता सस्तु प्रयश्यन्ति शुभामदे अरण्ये प्रान्तरे वापि धावग्ने परिवारितः दशभिर्वापृता शुम्ने गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्राणजातो वा वने वा वनहस्तुभिः राज्ञा क्रुद्धेन राज्ञस्तो बद्ध्यो बन्धकृतोऽपि वा आघ्रमितो वा पातेन सुता भूते महात्मे परन्तु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यातुतो विवा समरन्वमेतचरित नरो मुञ्चेत सङ्कटात् मम प्रभावा सिंहाद्या दस्य भो वैरिन सदा दूरादेव बलायन्ते समरतश्चरितं मम त्रिशुरभा च
इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवानां तत्र भ्रान्तरधीयत देवि देवा निरातङ्कः स्वाधिकाराञ्जसा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रविनिहतालयः दैत्याशदेत्या निहते शुम्भेभ्वजति जगद्विध्वंसने तस्मिन् महाग्रहतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्य शेषः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपा जगतः परिपालनं तये तन्मोयते विश्वं देव विश्वं प्रसूयते साजाचिता च विज्ञानं पृष्ठा ऋद्धिं प्रयश्यति ज्ञातं तयेत सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपया सेवकाले महामारे सेवदृष्टे भवत्या तिरिङ्करोति भूतानां सेवकाले सनातनी भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मीवृद्धे प्रदागे सेवाभावे तथा लक्ष्मीविनाशायोपजायते सुधा सम्बोधिता पुष्पे धूपगन्धादिविस्तुता ददादिवित्तं पुत्रा च मतिं धर्मे गतिं शुभा अत्सिद्धपञ्चिका स्तोत्र शिवोवाच शृणु देवी प्ररक्षामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तम येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचं न जला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूत्रं नापि ध्यानं च नान्यासो न च वाचनं कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अधिगुरुतरं देवी देवानाम विदुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरुव पार्वती मारणमोहणं वत्सल ब्रह्मणो चाटनाधिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं झुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं सं घट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दने नमः केशवहारिण्ये नमस्ते महिषार्दने नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातने जाग्रतमहि महादेवे जपं सिद्धं कुरुष्वे ऋङ्कारे शिष्यरूपाय ऋङ्कारे प्रतिपालिका ऋङ्कारे कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डघाते च जयकारि वरदायिनि नित्य चावयसा नित्य नमस्ते मन्त्ररूपिणि रां ह्रीं धूं दुर्जटे पतने रां ह्रीं धूं वागदेश्वरि रां ह्रीं क्रों कालिका देवी शाचि सोमे शुभं कुरु ॐ हुङ्काररूपिण्ये जं 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 भराधने भ्रां ह्रीं भ्रूं भैरवीवध्य भवानि ते नमो नमः अङ्कं चं तं तं पं जं छं विन्दुं ऐं विं हं छं दियाग्रं दियाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं गुरु गुरु स्वाहा पां ह्रीं भूं पार्वती पूर्णा कां ह्रीं भ्रूं खेचरी तथा सां श्रीं सों सप्तसती देव्य मन्त्रसिद्धिं कुरुष्मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागृति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सत्सते भवेत् न तस्य जायते सिद्धिरन्येरोधनं यथा अथ दुर्गाया पद्धाराष्टकम् नमस्ते शरण्ये शिवेशानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके वेश्वरूपे नमस्ते जगद्मञ्जपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारणि साहि दुर्गे
Thank you.
जतवली माता तेरी सदा ही जय सब
विद्यमान अर्ध पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे धार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। साधक जन अपने दुखों को दूर करने के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए इस मां जगजननी के दरबार में आकर की भक्ति भाव से करवत मां से प्रार्थना करते हैं कि मां प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। हम भक्तों के कष्टों को, हम भक्तों के दुखों को दूर कर करके सब ओर से आप हमारा कल्याण करें, हम सबका मंगल करें। माँ भगवती की पूजा, माँ की आराधना, माँ की अर्चना वास्तव में इस सब ओर से कल्याण को देने वाली ही। जो माँ भगवती जो कल्याणमयी है, मंगलमयी है, और जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से इस जगजन्य जगत माता के शरणागत होकर के माँ भगवती की उपासना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, माँ के दरबार में आकर के इस गुहा के अंदर इस दिव्य पिंडिक रूम में माँ जगजन्य के दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, माँ के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से उन भक्तों के सभी कष्ट सभी दुख दूर होते हैं। वह भक्तजन जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं और जीवन में उनकी जीवन यात्रा जो है सर्वदा सुख में बनी रहती है और उनके जीवन कभी को कष्ट आते नहीं। कभी को कष्ट आ भी जाए तो उनका पता नहीं चलता कि आए कैसे और चले कैसे गए। इसलिए भक्तजन जो है अत श्रद्धा युक्त होकर के माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए, माँ को मनाने के लिए माँ के दरबार में आकर के भक्ति भाव से माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमस्ते। हे माँ, आप शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की सर्वदा रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा को दूर करने वाली, सबके दुखों को दूर करने वाली हे नारायणी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। हे माँ, हम शरणागत भक्तों की आप प्रार्थना को स्वीकार कर करके हम भक्तों के सब ओर से आप रक्षा करें, हम भक्तों के कष्टों को दुखों को दूर कर करके सब ओर से आप कल्याण करें, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दें, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करें। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। लो सच्चे दरबार की। श्रीमद देवी भागवत में सौनकादि ऋषियों को सूर्य जी ये कथा सुनाते हैं, पांडवों का इतिहास, पांडवों के जीवन में और कौरवों के जीवन में भी बड़े कष्ट आए, बड़ी विपत्ति आई हैं,
और जीवन भर जो है इस विपत्ति में ही रहे। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, बड़े बड़े तपस्वी जो उनके जीवन में कष्ट आते हैं, बड़े बड़े राजे महाराजे जो हैं उनके जीवन में कष्ट आते हैं, परंतु दुख के समय कभी कष्ट विपत्ति आती है तो अपना धैर्य मत छोड़िए, खूब भक्ति कीजिए। भक्ति से जो है कष्ट दूर होते हैं और जो है उस देव कृपा से भगवती कृपा से जो है साध्य का मार्गदर्शन होता है, अंतःकरण से प्रेरणा होती है हमारे लिए उचित क्या है अनुचित क्या है हमें करना क्या है। कभी कोई पति कोई समस्या आ जाती है तो उसका विचार ये नहीं है कि समस्या आ गई तो परेशान हो गए, समस्या आ गई है अब हमको उसका समाधान देखना है, समाधान कैसे हो सकता है। कोई कष्ट कोई रोग आ जाता है उस रोग से भयभीत नहीं होना है, उस रोग का उपचार उसका समाधान देखना कैसे हो सकता है। भक्ति करें, भगवान से प्रार्थना करें और इस प्रकार से जो है धर्म के मार्ग पर चलते धर्मन कुल कर्म करें, माँ से प्रार्थना करें तो भगवती कृपा से माँ का आशीर्वाद से उस कष्ट दुख से जो है मनुष्य पार पार लेते। जैसे पांडव के जीवन बड़े कष्ट विपत्ति आई परंतु उन्होंने धर्म का त्याग किया नहीं, धर्म के मार्ग पर चलते रहे, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। तो सूर्य जो है जिस सोने का ऋषियों को ये कथा सुनाते कह रहे हैं कि द्रौपदी ये पांडवों की भार्या थी और जो है उन पांचों पांडवों से जो है द्रौपदी के पांच पुत्र हुए, बड़े सुंदर पुत्र थे उनके जो है, वह पांच बालक जो है बड़े सुंदर थे। समुद्र का अर्जुन से विवाह हुआ और जो है भगवान श्री कृष्ण की जो बहन थी सुभद्रा जो है भगवान कृष्ण की बहन थी, अर्जुन के साथ उसका विवाह हुआ और सुभद्रा से जो है वीर पुत्र जो है अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई। अभिमन्यु जो है जो बड़े शक्तिशाली जो है जे वीर हुए हैं, जो जो है महाभारत के युद्ध में जो है जे भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी पत्नी जो थी राजा विराट की पुत्री जिसका नाम उत्तरा था, उत्तरा के साथ जो है इनका विवाह हुआ था। द्रौपदी के पांचों पुत्र जो थे उनकी हत्या कर दी गई थी, अश्वत्थामा ने सोते हुए बच्चों को जो है उन पांचों बालकों को मार दिया। कैसे? उसने प्रतिज्ञा की आज मैं पांचों पांडवों को जो है मार दूंगा, समाप्त कर दूंगा, परंतु जब वहां पर वह आए उनके शिविर में पांडवों को मारने के लिए कि सोते हुए उनका वध करूंगा, परंतु बस सायंकाल को ही भगवान कृष्ण जो पांचों पांडवों के अपने साथ जो है अन्य दूसरे स्थान पर ले गए थे और पांडवों के वे पांच पुत्र जो सो रहे थे उन पांचों पुत्रों की जो है गर्दने उसने सोते हुए काट दी थी, इसलिए उन पांचों पांडवों के पुत्र जो थे उनकी जो है हत्या कर दी गई अश्वत्थामा के द्वारा, वह भी मारे गए। और इस प्रकार से अभिमन्यु जो है वो युद्ध में जो है वीर गति को प्राप्त हुआ और उत्तरा जो थी कहते उस समय गर्भवती थी, उसको जो है उन्होंने जो है कहते अश्वत्थामा ने उनका कुल ही विनाश करने के लिए, पांडवों के कुल को नष्ट करने के लिए जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ताकि उत्तरा के घर में पल रहा जो बालक जो था उसकी मृत्यु हो जाए, परंतु स्वयं कहते उत्तरा के घर में भगवान श्री कृष्ण ने जो है उस बालक की रक्षा की। वही बालक जो है वह पृथ्वी पर जो है प्रेक्षित के नाम से राजा प्रेक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। बोले सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से उसके जो है जे उत्तरा के जो है जे एक ही बालक था और उसके जो है जे जो जे पुत्र हुआ जिसकी रक्षा जो है भगवान कृष्ण ने की, वह श्रेष्ठ बालक पृथ्वी पर जो है परीक्षित के नाम से जो है विख्यात हुआ। पुत्रों के जो है मारे जाने पर जो है आप कौरव पांडव का जब युद्ध हुआ है तो कौरव सबके साथ समाप्त हो गए, सारे पुत्र मारे गए, आप धृतराष्ट्र के जीवन आप देखिए, नेत्रहीन था, शक्तिशाली था, राजघराने में जन्म हुआ है, सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति हुई, राज्य की प्राप्ति ही राजगद्दी जो है प्राप्त हो गई और इतने नहीं 101 पुत्र की प्राप्ति हो गई, फिर भी जीवन में सुख नहीं था। इधर जो है
कुछ तो कहते जी ने देखी जी सब उसी की लीला है, इसलिए कहते हैं उसके शरणक धोकर के खूब भक्ति करें, जब उसकी कृपा होती है तो जीवन सुखी सुख होता है। कुछ तो इसलिए दुखी है कि संतान नहीं है, सब कुछ धन संपत्ति है, घर परिवार सब कुछ है, परंतु संतान सुख नहीं है। किन्हीं के संतान है तो धन नहीं है, धन के भाव में दुखी है, परिवार को चलाना कठिन है। जिनके धन है संतान है तो घर में रोग है, रोग से झुकते हैं तो उससे वे दुखी है। इस प्रकार कोई ना कोई जो है परेशानी है, यदि संतान भी है धन भी है रोगों से भी मुक्त है तो यह संतान जो है वह आज्ञाकारी नहीं है, संतान दुख देती है फिर परेशानी। तो कोई ना कोई परेशानी जो है, तो धृतराष्ट्र के इतने पुत्र होते हुए भी, राज्य की प्राप्ति धन संपत्ति सब कुछ होते हुए भी वह जीवन भर दुखी रहे, सुख की प्राप्ति नहीं कर पाए। और सुख जो है कहाँ है, इस मां के चरणों में। जो भक्तजन जो है धर्म का त्याग नहीं करते, कहो को धृतराष्ट्र ने धर्म का त्याग कर दिया था। जो पांडव का हिस्सा दूसरे के हिस्से को छीन करके खाता है, दूसरे के हिस्से पर बैठ जाता है, उसके जीवन का भी सुख नहीं होता। जब विदुर जी ने, जब विदुर से धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था कि दुख जो है जी क्या दुख क्या होता है, क्या मेरे जीवन पूरे जीवन दुख ही दुख रहेंगे कि जाएंगे भी, तो उसने कहा महाराज एक दुख तो ऐसा होता है जो दुख आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक दुख ऐसा होता है जो आता है कभी जाता नहीं। वो क्या दुख होता है, जो व्यक्ति जो ही अपने हृदय में दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, दूसरों का बुरा सोचता है, दूसरे को दंड छीनना चाहता है, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता, कभी सुख नहीं आता। इसलिए जो है वो देखिए विदुर जी इतने ज्ञानी थे, धर्म के ही अवतार थे, ज्ञानी पुरुष के सामने होते हुए भी धृतराष्ट्र को ज्ञान नहीं प्राप्त हो सका। इतना नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण जो है उसके सामने आकर उसको समझाते हैं तो वह समझ नहीं पाया, क्योंकि बिना उसकी कृपा के ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो भी यह पुत्र मोह में पड़ा हुआ था, ये सब कुछ मेरे पुत्र को मिल जाए, देखिए संतान यदि योग्य होगी वह सब कुछ प्राप्त कर लेगी, उसके लिए आपको धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े महल बनाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को योग्य बनाइए, अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छा ज्ञानवान जो है अच्छा ज्ञानवान बनाइए, जितना ज्ञान दे सकते हैं ज्ञान देने में उनको धन लगाइए। वह ज्ञानी होंगे तो धन उसके पीछे पीछे फिरेगा, उनकी बुद्धि ठीक काम करेगी। ऐसे बच्चे व संस्कारी बालक जो है जो ज्ञानवान होते हैं, जिनके पास ज्ञान होते हैं, उनको धन के पीछे जाने की जरूरत होती नहीं, लक्ष्मी धन लक्ष्मी अपने आप पीछे पीछे आती है, कहीं किसी के ऐसे आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, वह कहीं भी चले जाएंगे, उनका ज्ञान जो है सर्वत्र जो उनकी सहायता करेगा। जिद्धन जो है विद्या रूपी ऐसी संपत्ति है जिसका कोई भोज नहीं, जिसको कोई छीन नहीं सकता, जिसका कहीं परिवार में विभाजन नहीं हो सकता, उसको बांट नहीं सकते, कोई आपसे छीन नहीं सकता है। जितना उसको भय करेंगे, जितना दूसरों को आप देंगे, उसका ध्यान करेंगे, उतनी में वृद्धि को प्राप्त होती है। और आप बिल्कुल खाली हाथ चले जाइए, आपके पास ज्ञान है विद्या है तो धन आपके साथ साथ है, भय पर आपके लिए सुख है। इसलिए यदि अपने परिवार को बच्चों को सुखी चाहते हैं तो उनको जो है ज्ञानवान बनाइए, धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं उनके लिए, बहुत बड़े बड़े मकान बनाने की जरूरत नहीं उनके लिए, अपने आप जो उनके पास सब कुछ आ जाएगा। इस प्रकार से ऐसे बालक, ऐसे संस्कारी बालक, ऐसे ज्ञानी बच्चे जो हैं वह माता पिता का भी अच्छा करते, उनको भी सुख देते हैं, समाज को सुख देते हैं, और इतने नहीं देश का भी भला करते हैं। इसलिए उनकी बुद्धि बिल्कुल ठीक काम करती है, इसलिए बच्चों को खूब ज्ञानवान बनाइए। धृतराष्ट्र को जब विदुर जी समझाते हैं तो भी उनको यही है कि ये सारे का सारा राज्य जो है मेरे पुत्रों को ही मिले, यही कारण था, ये लोभ जो था, ये द्वेष था पांडु के प्रति। यदि वह सोचता कि पांडु भी तो मेरा भाई था, पांडु के पुत्र यदि पांडु नहीं रहा, मेरा भाई नहीं रहा, तो उसके पुत्र भी तो मेरे ही पुत्र हैं। जहां पर 101 जो है मेरे पुत्र हैं, वहां पर जो 5 और आ जाएंगे तो फिर क्या हुआ। यदि उनको भी अपना मानते जी आज ये परिस्थिति न बनती, ये दुख नहीं भोगना पड़ता। इस प्रकार से ऐसी परिस्थिति हुई, कौरव पांडव में युद्ध हुआ।
ऐसा युद्ध हुआ कि सारे के सारे कौरव जो थे वो युद्ध में ही मारे गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। सबके सब जो है जे मारे गए, पांडवों को राज्य की प्राप्ति हुई। अब जो है धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र ने जब देखा कि इस प्रकार सब पांडव जो कौरव जो मारे गए हैं, और फिर जो है पांडव भगवान कृष्ण जो है धृतराष्ट्र के पास आते हैं। परंतु उस समय कहते हैं कि इतना क्रोध था धृतराष्ट्र को, जब वहां पर आए और जो उन्होंने दुख प्रकट किया कि इसका युद्ध समाप्त हुए हैं, अब अंत में दुर्योधन रहा था और दुर्योधन भी जो है भीम के हाथों वह भी मारा गया और सारे पुत्र समाप्त हो गए। इतना क्रोध था पांडवों पर जो है, और विशेष करके भीमसेन पर। तब उन्होंने कहा कि मैं भीमसेन से मिलना चाहता हूं। क्या भीमसेन भी आया है? भगवान ने कहा कि हाँ भीमसेन भी आया है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, उससे मिलना चाहता हूं, उसको मैं अपने गले लगाना चाहता हूं, उसके मेरे सामने लाइए। क्योंकि नेत्रहीन थे, दिखाई देता नहीं था, और भगवान जानते थे यदि भीमसेन को सामने किया तो भीमसेन मुझे मार देगा। इतना शक्तिशाली था कि जो है कहते उस समय लोहे का खंभा जो है, लोहे का स्तंभ जो उसके सामने रखा, बीच में सामने धृतराष्ट्र और भीम जो है उसके लोहे के खंभे के पीछे, जैसे उसको जो है अपनी बाहु में लेता है तो वह खंभा लोहे का उसके बाहु में आता है। कहते लोहे के खंभा जो है मसल दिया हाथों में उसने। जब भीमसेन आ जाता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं से पर उनकी रक्षा की है, पांडवों की स्वयं से पर मार्गदर्शन करते रहे, क्योंकि पांडवों ने धर्म का त्याग नहीं किया। क्योंकि इसलिए जहां पर धर्म होते हैं वहां भगवान होते, जहां भगवान है वहां पर वही पर विजय होती है, वही सुख होता है, वही शांति होती है, वही कल्याण होता है। अब जो है कौरवों की जो है उनकी जो भी क्रियादाह संस्कार उन्होंने करना था वह सब हुआ। भीमसेन ने सबकी जो है क्रिया बाकी। उसके बाद जो है 18 वर्ष तक जो है धृतराष्ट्र जो है पांडु के पास रहा, युधिष्ठिर जो है और अर्जुन जो है उनके पास बैठते, उनकी चरण सेवा करते, परंतु भीमसेन जो है वह बड़ी खरी खोटी उनको बातें सुनाते रहते थे। ये बूढ़ा, ये धृतराष्ट्र, ये अंधा, ये बड़ा दुष्ट है, खरी खोटी सुनाते रहते। परंतु अर्जुन उसको कहते जी ऐसे उदंड हैं, इनकी बातें मत सुनिए आप। वे सेवा करते 18 वर्ष जो है। अब जब पांडव के साथ वहां पर रहे, बड़े दुखी हो गए, तब कहते हैं कि धृतराष्ट्र ने एक दिन कहा युधिष्ठिर से कि मैं धन चाहता हूं, मुझे धन चाहिए, मैं अपने पुत्रों की जो है क्रियाकर्म करना चाहता हूं। भीमसेन ने जो है उनका क्रियाकर्म तो किया है परंतु देश से, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने पुत्रों का स्वयं ही क्रियाकर्म करूं, और जो है उसके लिए मुझे धन चाहिए। उसके बाद जो है मैं वन में चला जाऊंगा तब करने के लिए। तब जो है युधिष्ठिर जो है वह भिदुर के पास गई, उनसे परामर्श किया, तो भिदुर ने उससे कहा किसको धन दे दो। तब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया, उनसे परामर्श किया, तब जो है अर्जुन नकुल सहदेव जो सहमत हो गए, परंतु भीमसेन जो उठ करके चले गए, क्योंकि वह उनके विरोध में थे, इसको कुछ नहीं देना है। युधिष्ठिर ने बहुत सारा धन उनको दिया भाइयों की सहमति से, भीमसेन तो चले गए वहां से उठ करके, धन दिया। अब जो है धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों की जो क्रियाकर्म करना था वो सब किया। उसको वह कहते हैं कि वह वन की ओर प्रस्थान किया है। तब जो है माता कुंती और विदुर भी उनके साथ चल पड़े। पुत्रों ने बड़ा रोका कि आप रुक जाइए, माँ कुंती को कहा रुक जाए मत जाइए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। अब जब गंगा तट के किनारे तक जो है सब लोग उनके साथ गए, वहां छोड़ करके वापस लौट आए, भाई गंगा तट के किनारे वन में जो है उन्होंने घास की कुटिया बनाई,
मैं बता रहा हूं आपको कि कहां राजमहल थी, कहां वह राजा थे और कितने उसके पुत्र संतान थे, सब कुछ था। और आज क्या परिस्थिति है कि वन में आकर के घास की कुटिया बना करके बाहर रह रही है। विदुर, धृतराष्ट्र, गंधारी, माता कुंती, ये सब जो है वहां पर है और संजय ने उनका साथ दिया, संजय भी उनके साथ ही थे। वहां पर तप करने लगे, कहते हैं 6 वर्ष बीत गए। 6 वर्षों के बाद जो है युधिष्ठिर ने एक दिन अपने भाइयों से कहा कि प्रातःकाल का समय था, उसने कहा कि आज रात्रि को मुझे सपन आया, मैंने मां कुंती को देखा, वह वन में तप करती है और बिल्कुल दुर्बल हो चुकी है, बड़ी कृश हो गई है। मेरे मन में जो इच्छा हो रही है कि जाकर उन माताओं का, पिताओं का जो है मैं दर्शन करूं, उनसे मिलूं, ऐसी मेरी जी इच्छा हो रही है, आप बतलाइए आपकी इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भी आपके साथ चलेंगे। अब जो है उनके साथ जो है द्रौपदी भी चल पड़ी। अब पांचों भाई जो है और द्रौपदी भी साथ जो उनके साथ चल पड़ी। अब उनके जो अभिमन्यु की पत्नी भी उत्तरा भी जो है वह भी उनके साथ चली। और वहां पर पहुंचते हैं, फिर इतने नहीं, फिर नगरवासी भी चल पड़े कि हम भी दर्शन करेंगे। तो जब वहां पर पहुंचे, अब वृद्ध हो चुके थे, बड़ा श्री जर्जर हो चुका था। अब वहां पर वे तप कर रहे थे, उनके दर्शन किए, मिले। तब जो है युधिष्ठिर ने पूछा, विदुर दिखाई नहीं दे रहे, विदुर कहाँ है? तो उन्होंने कहा विदुर तो विरागी है, कहीं तप कर रहे होंगे। तब जो उन्होंने वन में खोजा तो देखा वह एकांत में ही तप में बैठे हुए थे। तो स्वयं बैठे हुए थे, तब उन्हें आवाज लगाई तो उन्हें सुना नहीं, क्योंकि ध्यान में थे। तब जो है अब जो है फिर उन्हें आवाज लगाई तो देखा वह तो अपने प्राण विसर्जन कर चुके थे, साधना बैठे हुए जो है। इस प्रकार उन्होंने सोचा अब तो इनका दाह संस्कार करें। जैसे ही दाह संस्कार के लिए उन्होंने विचार किया, आगे बढ़े तो यह आकाश बनी हुई, जो तो विरागी, इनको आप स्पर्श मत कीजिए, आप जो इनका दाह संस्कार मत कीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। तब पांडवों ने गंगा में स्नान किया, स्नान करके वापस फिर जो है धृतराष्ट्र के पास आकर के पहुंचे। और पहुंच करके तब जो है उन्होंने सारी ये घटना बतलाई और फिर जो है उन्हें प्रणाम कर करके वापस अपने राज्य में लौटे। वापस आए तो कहते कि 3 दिन के उपरांत जो है वन में आग लगी और सबके सब धृतराष्ट्र सहित सबके सब वहीं पे समाप्त हो गए। सच्चे उधर जो है अब पांडव जो थे उन्हें पता चला द्वारका में जादुई ग्रह कला के कारण जो है परस्पर लड़ मरे। बलराम ने भी अपना देह त्याग दिया और भगवान कृष्ण भी स्वधाम पधार गए। ये सब देख करके अब उनको लगा कि अब कलयुग आ चुका है। तो समय कहते हैं कि युधिष्ठिर जो थे अब उन्होंने राज्य जो था उत्तरा के पुत्र परीक्षित को सौंपा और स्वयं जो है द्रौपदी सहित जो है पांचों पांडव जो है हिमालय पर महायात्रा के लिए प्रस्थान कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो ये था इनका इतिहास जो है पांडवों का जो है। और उसके बाद जो है परीक्षित जो थे जो ही बड़े धार्मिक राजा हो गए, इस वंश को उन्होंने आगे बढ़ाया। पांडवों ने जो है जब विजय प्राप्त की थी उसके उपरांत जो है 37 वर्षों तक जो है राज्य चलाया। उसके उपरांत जो राय प्रेक्षक को जो है राज्य सौंपकर व्यय तो प्रस्थान कर गए। राय प्रेक्षक जो है राज्य करते हुए कहते उन्हें भी ऋषि का शाप हुआ तो उन्होंने अपना राज्य जो था अपने पुत्र जन्मेजी को दिया और जन्मेजी जो है उन्होंने फिर आगे इस वंश को बढ़ाया है। श्रीमद देवी भागवत की कथा जो है। तो व्यास जी कहते हैं कि वहां पर जिस समय पांडव जो है विदुर को जो है इस प्रकार स्नान करके उस समय वापस लौटे, धृतराष्ट्र के पास सारी घटना बतलाई, तो उस समय सही वहां गंगा तट के किनारे थे, सब ने वहां पर स्नान किया है, सब वहां खड़े थे। कहते हैं कि
वहां पर देवर्षि नारद जी भी उपस्थित थे, व्यास जी भी उपस्थित थे, सब जो नगरवासी वहां पर आए हुए थे सब ने स्नान के वहां खड़े थे। तो उस समय गंधारी ने जो है महर्षि व्यास से प्रार्थना की, प्रार्थना क्या की कि जब मेरा विवाह हुआ मेरे पति तो नेत्रहीन थे तो मैंने अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली थी, मेरे पति को दिखाई नहीं देता है तो मैं भी जीवन भर देखूंगी नहीं, मेरे पुत्र हुए इतनी संतानें हुई सब की सब जो युद्ध में मारे गए मैंने अपने नेत्रों से अपने बच्चों को देखा नहीं, आप सब शक्तिमान हैं, आप जो हैं मैं जो चाहती हूं मेरे उन पुत्रों को जो है मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं मैं उनको देखना चाहती हूँ, आप सब शक्तिमान हैं आप सब कर सकते हैं इसलिए मैं उनके दर्शन करना देखना चाहती हूँ, अंतिम समय आ चुका है। अब जो है उधर उत्तर भी कहती है मैं भी अपने पति को देखने सबने जो है इस प्रकार जी जिनकी मृत्यु हुई थी कौरवों की और इस प्रकार से अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी और वह भी उनको देखना चाहती थी उनकी पत्नी भी और जो है इस प्रकार से अब जो है जब सबने प्रार्थना की तब कहते हैं कि व्यास ने जो है गंगा में स्नान किया गंगा किनारे बैठे और माँ भगवती का स्मरण किया माँ को आह्वान किया। व्यास जी शक्ति के उपासक थे, माँ से प्रार्थना की माँ जी सब चाहते हैं कि अपने पूर्व झुकाओ कि उनकी मृत्यु हो चुकी है उनको देखना चाहते हैं, मैं तो समर्थ नहीं हूं परंतु माँ आप तो समर्थ हैं इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और उनकी जी इच्छा है अंतिम समय में कि आपने अपने उन बच्चों को जो देखना चाहते हैं तो इसलिए जो है आप ये सब कर सकती है। कहते उस समय माँ भगवती माँ जगदम्बा का जो है उन्होंने स्मरण किया। धृतराष्ट्र भी अंबिका के पुत्र हुए हैं, अंबा अंबिका अंबालिका ये तीनों जो थी जो है जिनका पांडु के साथ विवाह हुआ था इसका अलग कथा है। तो ये अंबिका ही पुत्र थे, ये अंबा अंबिका अंबालिका ये शक्ति का ही अवतार थी तो इसलिए सब उसी की जो लीला थी। अब जो है माँ का स्मरण किया व्यास जी ने और स्मरण किया तो कहते हैं कि सारे के सारे कौरव जो सामने जो है उनको दृष्टिगोचर हुए उन्होंने जो उनके दर्शन किए उसके बाद सब के सब जो उनकी माया के द्वारा जो है सब जो है अब वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब जो सब जब चले गए वहां से तो जो तीसरे दिन वन को आग लगी सब के सब वहीं पर जो समाप्त हुई उसके पांडव जो है उन्होंने प्रस्थान किया राजा जो प्रेक्षित को उन्होंने राज्य का जो है उनका कार्यभार जो था उनको सौंपा और इस प्रकार से ये इतिहास था पांडवों का। तो मैं आपको बता रहा था कि सुख दुख की बात बड़े बड़े जो राजे महाराजे के जीवन में भी सुख आते हैं दुख आते हैं सब पत्ति आती हैं परंतु जीवन में जो है कभी अपना धैर्य मत छोड़िए और कभी बुरा कर्म मत कीजिए कभी दूसरे को द्वेष मत रखिए जो उसकी कृपा से प्राप्त है उसमें संतोष कीजिए संतोष में ही सुख है और खूब उसकी भक्ति कीजिए यही वास्तव असली धन है जो अंत में ये जीव के साथ चलता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। समय अधिक शुक्र में अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा श्री जयपाल जी मां के चरण भोजन प्रस्तुत करेंगे आप सभी भक्तों से कीर्तन सहयोग देना शामिल करना ताली बजाते हुए श्री जयपाल जी जय करा। बोल सच्चे दरबार की जय। मैं आया तेरे पास सुन लेना मेरी पुकार मैं आया तेरे पास सुन लेना मेरी पुकार सुना है सब आते हैं मुराद पाते हैं 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 मैं आया तेरे हाथ पकड़ गए गले ताले नहीं ताले की आवाज माइक के दरबार तक पहुंचे एक बार सही भक्त जन
अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरण में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर, माँ भगवती माँ भक्तों की हाजिर स्वीकार करें, आपके झोले भरे, आपके मुरादे पूरे करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता है। आकाश में सब चंदा तारे, आकाश में सब चंदा तारे, तेरी ज्योति प्रकाश से चमक रहे, तेरी ज्योति प्रकाश से चमक रहे, आकाश में सब चंदा तारे, आकाश में सब चंदा तारे, तेरी ज्योति प्रकाश से चमक रहे, तेरी ज्योति प्रकाश से हरदम तेरा ही ध्यान रहे, हरदम तेरा ही ध्यान रहे, मेरे दिल की यही पुकार, मैं आया तेरे द्वार, मेरे दिल की यही तेरा सहारा है मैया, बस तेरा सहारा है मैया, बस तेरा सहारा है मैया, बस तेरा सहारा है मैया, मेरे दिल की यही पुकार, मैं आया तेरे द्वार, मेरे दिल की यही
दरबार की जय। तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री श्री जी। जय करा मेरी शरावन में अजिना, बोल सच्चे दरबार की जय। मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां, जुदाइयां सह नहीं सकदा मां। मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां, जुदाइयां सह नहीं सकदा मां। मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा, जुदाइयां सह नहीं सकदा मां। मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां, जुदाइयां सह नहीं सकदा मां। मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां, जुदाइयां सह नहीं सकदा मां। मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां, जुदाइयां सह नहीं सकदा मां। मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां, जुदाइयां सह नहीं सकदा मां। मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां, जुदाइयां सह नहीं सकदा मां। मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां, जुदाइयां सह नहीं सकदा मां। मैं तेरे बिन रह नहीं जुदाइयां सह नहीं सकदा मां। मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां, जुदाइयां सह नहीं सकदा मां। तेरे मंदिरां ने वरदाती मोले आवन मेरा, सद्या मैं द्वार तेरे ते दौड़ा दौड़ा आया। मैं तेरे बिन ना हो, मैं तेरे बिन ना हो, मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां, जुदाइयां सह नहीं सकदा मां। मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां, जुदाइयां सह नहीं सकदा मां। मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां, जुदाइयां सह नहीं सकदा मां। तेरे बिन रह नहीं सकदा मां, जुदाइयां सह नहीं सकदा मां। मेरे घर विच सदा ही तेरी जोत जगे महारानी, जोत जगे महारानी, जोत जगे महारानी। मेरे मन विच सदा ही तेरी जोत जगे महारानी, जोत जगे महारानी, जोत जगे महारानी। तेरे नाम दी माला तेरे हर एक घर दा प्राणी, हर एक घर दा प्राणी, हर एक घर दा प्राणी। रिझनाल 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 मैं घर विच तेरा, है मंदिर बनवाया रे जनाल मैं घर विच तेरा, है मंदिर बनवाया। हो तू सद्या मैं द्वार तेरे ते दौड़ा दौड़ा आया। मैं तेरे बिन रहो, मैं तेरे बिन रहो, मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां, जुदाइयां सह नहीं सकदा मां। मैं तेरे बिन
बिन रहनी सकदा जुदाइया ना सहनी सकदा कल तक जीवे सपने सीमा अज सारे सच होए अज सारे सच होए अज सारे सच होए सानू अपनी सेवा बख्शी साढ़े पाप लगोए साढ़े पाप लगोए साढ़े पाप लगोए अपने भगतां दे कर हुण ते माथू कर्म कमाया अपने भगतां दे कर माथू कर्म कमाया हो तू सद्या मैं द्वार तेरे ते दाना दाना मैं तेरे बिन रहो मैं तेरे बिन रहो मैं तेरे बिन रह सकदा मैं जुदाइयां सह नहीं सकदा मैं तेरे बिन रह सकदा मैं मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां जुदाइयां सह नहीं सकदा मां मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां जुदाइयां सह नहीं सकदा मां मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां जुदाइयां सह नहीं सकदा मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां जुदाइयां सह नहीं सकदा मां मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां जुदाइयां जय करा मेरे शेरां वाले मेरे दीदा बोल सच्चे दरबार की बंदूक कांचन निवंद रच रक्ष माला पाशा कुशाच वरदान निज बाहु दंड विप्राण मिंदु शकल वर्णम त्रिनेत्र अर्धांगिकेश मणिष बपुरा श्रयामी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा मां भक्ति की असी मन कंपा से आप भक्त जनों को सायकाल की आरती में मां के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप बड़े भाग्यशाली हैं पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पर्वित्र वेला में मां के चरण बैठ करके मां भक्ति की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुए है माँ की इसी तरह से भक्त कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे इस पर्व पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद आयुष्मान भवे संतति भाने भवे श्रीमान शस्वे भवे प्रज्ञा भाने भवे भूर भूत करणे धाने गणेश भवे तेजस्वी भवे धैर्य गर्भदलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंभर पाद पंडते सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ है शत्रु नाम बुद्धि नाशोस्तु मित्र नाम देश शरीर वर्चस्व आज समारोध्यमाविदा शुमान महियते धनम धन्य पशु भूपुत्र लाभ सस्मसर दीर्घमाज अस्त दीर्घमाज माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपको सुख समृद्धि प्रदान करें धन धन्य से समृद्ध करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक कर बोले सच्चे दरबार की जय तभी माँ भगवती की आरती होगी आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे संभल कर बोलना चालू जाते हैं ओम जय ओम जय गौरी मैया जय मंगल करणी
करण वाली माता
तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे धनहार की जय। परम पूज्य पुजारी जी, माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे धरहार की जय। प्रेम से बोलो दोनों आज जोड़कर कमान से प्रार्थना करेंगे, संभल कर बोलना। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, दिशो देहि दिशो जहि, यजो देहि द्विजो जहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः, सुने और मानी मान माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। प्रथमे मेरे कार्य करो हमेश दयमान, आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैं आठ पैर तो सतगड़ी जो चरणा दा ध्यान। जय मां Thank you.
सर्गम चक्र गलेशुदावलगाञ्चोलम्बसन्दंशिरासङ्गं सन्दलिं करेशनेन सर्वाङ्गभूषाभिदां नीलाशमज्जलिमाशपादशदशकां सेवे महाकालिकां जामस्तो सविदेहरोगमनजो हन्तुं मधुकेतवम् अक्षा सर्पर्षं गलेशुपरिशम् परमन्दनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिन्मचर्मजलजं दन्तासुराभाजनं चूलं पाशुसुदर्शने ददति हस्ते प्रसन्नायणां सेवे लक्ष्मी सरोजस्थितां दण्डाशूलहलाङ्गसङ्गमसले चक्रं धनुसायकम् अक्षादे दलतिं गणान्तविरस सीता सुदल्याप्तवां गौरी देवं समुद्रवां विजगताम् आधारभूतामहा पूर्वामर्त्रसरस्वतीमनुभजे शुम्भादिनैत्यादिनी तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धो च सखा तुमेव तुमेव विद्यादयनं तुमेव तुमेव सर्वं देव देव शान्ताकारं भुजगजयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानभङ्गं वन्दे विष्णो भगवन् सर्वलोकैकनाथं भक्तं केशवं रामदारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं भक्तिकावहं जानके नायकं श्रीरामचन्द्रं भवे हरे मुरारे मुदगे मुरारे गोविन्द गोपालमर्थं किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यापदेहि भगवन् मोक्षते सुत्या ज्योता बाली माता तेरी सदा पञ्चफूला रानी माता तेरी सदा जगदा बला कंद वाली माता तेरी सदा सारे संसार विश्वांति देने वाली माता तेरी सदा खुला चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा गुफा विच निवास करने वाली माता तेरी सदा सुवे सुवे चोलिया वाली माता तेरी सदा लंकरा भी ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो रानियों में सद्भावना हो रानियों में सद्भावना हो रानियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो हर हर महादेव बोलो बाबा शिरडी जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जकारा शेरावाली दा